नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ, जो आज का मेरा वीडियो है वो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जिसमें हम बात कर रहे हैं अप्लाई फॉर पैन कार्ड। तो जैसा कि आपको पता है, आजकल पैन कार्ड एक डॉक्यूमेंट, बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट बन चुका है। पैन कार्ड आपको हर पेमेंट, यहाँ पे भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो वहाँ पे ज़रूरी है। आपके जो खाते हैं उनसे भी, जो बैंक अकाउंट्स हैं उनसे भी पैन कार्ड लिंक होना चाहिए। तो इस तरह से आप कैसे अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके भी पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो जैसा कि अगर हम मैं बात करता हूं, तो मेरे वीडियो बनाने का पर्पस यही होता है कि आप कैसे अपनी मनी को सेव कर सकते हो, ठीक है। ऐसे तो आप किसी शॉप पे जाओगे, इंटरनेट साइबर कैफ़े की शॉप पे जाओगे, तो ऑब्वियसली अब वो भी आपको पैन कार्ड बना के दे देगा और आपसे 250 अप्रॉक्सीमेटली या 300 चार्ज कर लेगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कितना की चार्ज आपका ऑनलाइन लगेगा, क्योंकि अगर आप 100 रुपये अभी बचा लेते हो खुद, तो दैट इज़ बहुत ज़्यादा इनफ है आपके लिए, ठीक है। तो चलो चलते हैं, इंटरनेट आजकल लगभग सभी यूज़ कर रहे हैं, तो सिंपली कैसे आप अप्लाई कर सकते हो अपने सेलफोन को यूज़ करके, तो मैं वो आपको बताऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और शेयर जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स के बीच में, ताकि वो भी सेविंग अपनी कर सके। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं। एप्लीकेशन फॉर फ्रेश इनरोलमेंट ऑफ द पैन कार्ड मेड थ्रू इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू आप कर सकते हो इसको। और यहाँ पे इन्होंने साइट्स दे रखी है, आपने ये वाली NSDL की जो साइट है इससे रजिस्टर करना है, ठीक है। तो आपका ऑनलाइन जो है वो फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको कॉस्ट की बात करता हूँ, तो देखो यहाँ पे लिखा है द चार्ज फॉर अप्लाइंग फॉर द पैन इज़ 93 रुपीज़, ठीक है। और जो इंडियन कम्युनिकेशन एड्रेस के लिए रहेगा, ठीक है, और जो फॉरनर के लिए रहेगा दैट इज़ 864, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, तो आपसे कोई लगभग 300 रुपया चार्ज कर लेगा, या 200-250 रुपया तो चार्ज कर ही लेगा, ठीक है। बट अगर इसकी बात करता हूँ, तो 1000 रुपये कोई चार्ज कर लेगा। तो आप अपना सेलफोन कर यूज़ करके खुद इनको फिल कर सकते हो और अपनी मनी को बचा सकते हो, ठीक है। तो चलो चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसको फिल कर सकते हैं। तो मैं पहले बैक चलता हूँ, अभी मैं आपको बताऊँगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे गूगल खोल लेना है और यहाँ पे सर्च करना है, सॉरी कहीं और क्लिक हो गया, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपने क्या करना है, यहाँ पे साइट को ढूंढना है आपने। देख सकते हो यहाँ पे आपने इस साइट पे आना है, ठीक है। अप्लाई फॉर पैन और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट की साइट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप इस पे आओगे तो आपने इस पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आने के बाद आपने सिंपली इस पोर्टल पे, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये इस तरह से इस पेज पे लेके आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप डेस्कटॉप साइट पे करोगे तो आपके पास एक डेस्कटॉप साइट खुल के आ जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो, आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे एक प्रोविज़न है जिसके थ्रू आपको 10,000 रुपीज़ तक का फाइन लग सकता है, अगर आप डुप्लीकेट मोर देन वन पैन के लिए अप्लाई करते हो, जहाँ बनाते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं अप्लाई करके नहीं बताऊँगा आपको, क्योंकि मेरा पैन पहले से बना हुआ है, मैं इंफॉर्मेशन नहीं कर सकता दोबारा से फिल। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, अप्लाई ऑनलाइन, और दूसरा है रजिस्टर्ड यूज़र्स। रजिस्टर्ड यूज़र्स को टोकन मिल चुका होता है, वो टोकन डाल के, ईमेल आईडी डाल के और डेट ऑफ बर्थ डाल के, यहाँ पर कैप्चा डाल के सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं वो क्या करेंगे, इस लिंक पे क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन। तो मैं जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पे करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पेज खुल के आ गया। आपने एप्लीकेशन टाइप में क्या करना है क्लिक, देख सकते हो यहाँ पे तीन कैटेगरी हैं। अगर आप इंडियन हो तो इंडियन के लिए, इंडियन सिटीज़न वाला करोगे न्यू पैन, फॉरनर सिटीजन के लिए, ठीक है, और चेंज और करेक्शन करनी होगी तो आप इस पर क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो मैं न्यू के लिए क्लिक करता हूँ, तो उस पर ये आ गया, ठीक है। और
कैटेगरी में आपने क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी दे रखी हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स के लिए है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए, ट्रस्ट के लिए कोई एक ट्रस्ट बना हुआ है, फॉर्म है कोई, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए है, अलग अलग बनी हुई है, ठीक है। तो आप अगर आप अपना खोलना चाहते हो तो आपने किस पे क्लिक करना है, यहाँ पे इंडिविजुअल पे ली, ठीक है। अगर आपकी कोई एसोसिएशन है तो डिफरेंट कैटेगरी पे क्लिक करोगे, तो आप अपना पर्सनल बनाना चाहते हो तो इंडिविजुअल पे क्लिक कर दोगे। तो हम इंडिविजुअल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे अपना टाइटल डालोगे, ठीक है। टाइटल डालने के बाद आपका सरनेम आएगा, यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम आएगा, मिडिल नेम आएगा, याद रखिए सरनेम डालना है यहाँ पे, ठीक है। लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ईमेल आईडी डालनी है, नंबर डालना है, और जो कैप्चा है वो यहाँ पे डाल के आपने सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो ये पेमेंट के लिए बोलेगा और अदर डिटेल फिल करने के लिए बोलेगा, ठीक है। और डिटेल फिल करने के बाद आपने पेमेंट कर दी, उसके बाद आपको आपका जो पैन कार्ड है वो आपके होम एड्रेस पे घर आ जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, सिंपली आप अपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, ज़्यादा कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, कहीं जाने की, अपने फ़ोन को यूज़ करके। तो ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, थैंक यू।